अपना प्राथमिक अभिलेख रहता है वो नक्शा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय अभिलेख कौन सा होता है, खसरा, सेकेंडरी अभिलेख के रूप में आता है खसरा और खतौनी। तो पहला है अपना नक्शा। अब नक्शा क्या है कि उसमें काफी विसंगति है, जो विसंगति है उनका डैशबोर्ड में उन्होंने दे दिया है, जैसे डुप्लीकेट विसंगति है कि एक ही नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि सर्वे नंबर एक खसरा एक ही बार आता है, चाहे वो बटा नंबर में हो या मूल नंबर में हो, तो अगर खसरा में तो एक ही बार है, लेकिन यदि वो नक्शा में दो बार आ रहा है तो वो डुप्लीकेट विसंगति के रूप में है। ऐसे ही प्रकार कुछ है कि अपने वो नंबर है कि उसमें बटा हो गए हैं लेकिन अपने नक्शा में बटा नहीं है, तो वो अपने वो नक्शा तरमीम उठानी है। तीसरा ये कहीं पर जेड वगैरह लिखे हुए हैं या शाब्दिक है, Z1, Z2, Z3 या पहले ऐसे लिखे रहते थे ना, वो अपना नंबर था का खा 126 बटा का 126 बटा गा, तो वो भी हटा दिए हैं। अब क्या है केवल तो अपन को वो बदलना पड़ेगा, है ना। तो एक रूपता रखनी है क्योंकि अब खसरा तो अपन बदलेंगे नहीं, तो खसरा के अकॉर्डिंग नक्शा को इसमें आ जाएगा, ले लेगा। तो अपन जो उड़ान नंबर अपने उसमें दिए हुए हैं, जैसे उसमें बटा है, यही गलतियां बहुत हैं, 8-10 तो यही मिलेंगी अपन को, तो उसमें जो जितने भी उड़ान नंबर है सब इसमें बदल गए हैं। उसमें जो नंबर थे मतलब जैसे अपने अधिकार अभिलेख में वो तो अलग है, इसमें दे दिए हैं, और जो मूल नंबर है वो अलग है। तो 10-15 तो अपन तुरंत, इसमें कुछ खास नहीं है, तो इस हिसाब से एक आदेश करा के अपन करा लेंगे। और बाकी जेड वगैरह है इनके लिए भी एक जाइए आदेश हो जाएगा, क्योंकि अपन को तो मूल नक्शा के अकॉर्डिंग इसको सही करना है, तो मूल नक्शा अपना रहेगा जी वाला। इसमें क्या है, कुछ तो ऐसे है कि कुछ पहले ही से बटा डले हुए हैं और वो इसमें नहीं है, तो वो भी अपन उठा लेंगे, है ना। तो एक एक इस कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, अगर इसको टुकड़ों में काट मतलब देख के चलेंगे ना, इसमें थे मतलब इसमें तो अमल है मतलब लाल स्याही से, लेकिन इसमें नहीं है, तो अपन क्या है ये तो पहले चरण में उठा सकते हैं, इसके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मूल नंबर में है और इनका केवल बटा करना है, तो आधी त्रुटि तो अपनी इससे दूर हो जाएंगी। मतलब जैसे ये अमल 58 है, 58 के चक्कर में इसमें 7 बटा होने हैं, 1, 2, 3, 4, तो अगर 58 के अपन 7 बटा डाल देंगे तो 7 त्रुटि अपनी दूर हो जाएंगी एक से। ऐसे ही जो भी डालेंगे तो आधी तो इससे हो गई, कुछ उड़ान खसरा नंबर से हो जाएंगी, कुछ जो जेड वाले से हो जाएंगी। तो जैसे किसी खसरे के साथ लिंक नहीं है, जैसे इसके यहाँ जेड पड़ा हुआ है, ये 44/1 44/2 पड़ा हुआ है, लेकिन किसी खसरे के साथ ये लिंक नहीं है, ठीक है। ये जेड यहाँ पे जेड पड़ा हुआ है इस जगह पे, अब मैं इसी जगह पे असाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कौन से ऑप्शन में जाना है अपन को असाइन? खसरा, पहले खसरा चयन करें, जिस मैप पे क्लिक करेंगे वो येलो हो जाएगा। उसके बाद नक्शा नंबर अद्यतन करें, अभी सॉरी यहाँ पे 152 बड़ा था, अब इसकी जगह आपको कितना बनाना है, 152/3। मैंने सिलेक्ट किया, असाइन खसरा किया, 152/3 हो गया। हाँ नहीं, वहां से सिलेक्ट करके आना पड़ेगा ना पर्टिकुलर, आप उसके बटे यहाँ पे आएंगे ना असाइन, फिर यहाँ पे दिखेगा नहीं ना अंदर आके इसको असाइन करना कौन से सर्वे नंबर। हाँ बिल्कुल, आप वहां से सिलेक्ट करके आइए ना, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, अब एक बार नक्शा विनिमय कैसे करते हैं, ये मैं अभी नक्शा नंबर अद्यतन पे, अब नक्शा नंबर विनिमय पे, ये मैंने सिलेक्ट किया 181, ठीक है। इसकी जगह कौन सा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 188 होना चाहिए, इसको भी मैंने दोबारा जोड़ा, दोनों को जोड़ लिया। हाँ 81 की जगह मुझे 88 करना है, 88 की जगह 81 करना है। उसके बाद मैंने सुधार करे पे क्लिक किया, ये दोनों सिलेक्ट करनी है अपन। हाँ दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, किसके साथ आप चेंज करना चाह रहे हो। अब ये देखिए एक जगह 181 आ रहा है, एक जगह 188 आ रहा है, अब मुझे चेंज करना है नक्शा विनिमय पे क्लिक करें, ये लिखा है नक्शा नंबर विनिमय करें, अभी देख लो क्लियर 81/88 दोनों दिख रहे हैं, अब देखिए 88 और 81 हो गया, हो गया ऑटोमेटिकली। कुछ नहीं करना है, आप तो बाहर से सिलेक्ट करके आएंगे वो ऑटोमेटिकली येलो दिखेगी, आपको सिर्फ नक्शा नंबर विनिमय पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे 81 की जगह 88 हो गया, 88 की जगह 81 हो गया। बिना आदेश के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो फिर आप एक बार देख लीजिए ट्यूनिंग, क्योंकि तहसीलदार को भी अनुमोदन करना है, भले ही आप अगर किसी और नक्शे को अटैच करके कुछ प्रकरण नंबर अटैच करके अगर भेज देंगे तो तहसीलदार अनुमोदन नहीं करेगा,
तो ये आपकी ट्यूनिंग है, एक बार आप देख लेंगे साहब, मेरे यहाँ इस गांव के अंदर 20 त्रुटियां ऐसी हैं, ठीक है। एक बार लास्ट ये और देख लीजिए, बहुल नक्शा बटांकन, आप देखिए बहुल नक्शा बटांकन, ये नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पास होगा। ऐसा नहीं है कि वो भी उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए लंबित में कोई केस दिख रहा है, मैं लंबित वाले केस पे क्लिक कर रहा हूं अभी। कौन से सर्वे नंबर में मैं एडिट करने गया, सरोज पारा सर कौन है तहसीलदार, क्या डेट थी, क्या टाइमिंग था, कौन सा इन्हें आदेश अपलोड किया था, इसमें कुछ भी किया होगा, इसमें कुछ भी एडिट करने जाएंगे, अगर रद्द कर देंगे तो रद्द में वो रिक्वेस्ट दिखेगी, स्वीकृत हो जाएगा तो स्वीकृत में दिखेगा, अस्वीकृत कर देंगे तो अस्वीकृत दिखेगी, ठीक है। और प्रोसेस में पेंडिंग होगी तो पेंडिंग में भी दिखेगी। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी कर रहा है तो किसी को कुछ पता नहीं है, डेटा कभी हटता नहीं ऑनलाइन में। और भी इनके बाद कोई तहसीलदार आएगा वो भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से इनने क्या काम किया है नक्शा सुधार से, ठीक है। तो नया आवेदन इसमें करेक्ट कैसे करते हैं, इसमें भी बिना ऑर्डर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अद्यतन करें, कोई भी सर्वे नंबर आपने यहां से सर्च किया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पे 78 और 77 और 79 तीन सर्वे नंबर दिख रहे हैं, या जैसा कि इनने बोला था कि 78 का एक उड़ान 78 में से रह गया। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 78 और 79 को दोनों को मर्ज करके दिखाता हूं इसमें कैसे मर्ज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने खसरा सिलेक्ट किया 78, उसके बाद खसरा एडिट करें, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा रेड हो जाएगा ये। उसके बाद मैंने सर्वे नंबर सिलेक्ट किया 79, इसको भी मैंने क्या किया, एडिट किया, एडिट हो गया। अब उसके बाद मैंने सिलेक्ट ज्योमेट्री पे क्लिक किया और कंट्रोल कीबोर्ड का उस पर क्लिक किया और दोनों को साथ में क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, दोनों पे पॉइंट आ गए। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ये मर्ज सिलेक्टेड ज्योमेट्री दिख रहा है, इसको मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया। मतलब अब मेरा 78 और 79 जो है वो एक सर्वे नंबर बन गया अभी की स्थिति में। अब मुझे इसमें लाइन ड्रॉ करना है कि तीन सर्वे नंबर बनाने हैं, चार बनाने हैं, तो मैं यहां ड्रॉ करूं। ये नंबर कौन, अभी वो दिख रहा है आपको, अभी कोई नंबर नहीं, वो नंबर 78 कौन सा नंबर बनेगा, ये आपका ऑर्डर हुआ होगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं इसमें चेंजेस करना, ये आपका ऑर्डर बताएगा क्या ऑर्डर हुआ है। मैं तो इसमें से अभी तीन दो के एक कैसे बना दिया और फिर एक में से चार कैसे ड्रॉ कर दिए वो सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने दोबारा से सिलेक्ट ज्योमेट्री पे क्लिक किया, अब मैं यहां से पॉइंट डालना शुरू कर रहा हूं। ये मैंने P7 एक लिया, एक सर्वे नंबर बना दिया, ठीक है। एक मिनट, अभी मैंने ये नंबर ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे कौन कौन से सर्वे नंबर थे जो मेरे ऑर्डर जो बोल रहा होगा मैं उसके हिसाब से इसमें असाइन करूंगा। जैसे इसको मैंने बना दिया 78, ये 78 बना दिया, इसको मैं जो बनाना 79/1 बना दूं, जो आप बोले, लेकिन वो खसरे में वो मैप में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए पहले से। हाँ 79/1, अब इसको क्या बनाना है, कोई बनेगा, ये देखिए ये टोटल फ्री एंड भी आ गया है, खसरे का एरिया क्या है क्या है वो नहीं कुछ पता, आपको जो चेंजेस करने कर लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, नहीं आपने इसमें क्या क्या किया है, सबसे पहले 78 और 79 को क्या किया है, मर्ज किया है, फिर आपने खसरों को तोड़ा है कौन कौन से में, फिर उसके बाद आपने 78 असाइन किया, 79/1 असाइन किया, 79/2 असाइन किया है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है कि सॉफ्टवेयर में या कोई डिटेल है नहीं, आपने इसमें क्या क्या किया है पर्टिकुलर, आप क्या क्या इसमें किस रिक्वेस्ट के थ्रू जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सभी डिटेल इसमें आ रही है एक बार में, ठीक है। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे, रकबे के अनुसार नहीं, ये रकबे के अनुसार नहीं है,